हेलो साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। बाकी यार बढ़िया हो ना, अगर हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों, अभी आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे मल्टी ड्रेस चेंज होने वाले जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके इस वाले वीडियो को भेजा है और कहा है कि भाई आप हमको इस प्रकार का वीडियो एडिट करके दिखाओ। तो आज के इस वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करवा के इसी तरह का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप विदाउट स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे गाइस तो आप इस तरह का वीडियो एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें वीडियो शूट करने का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपको यहां पर करना बस इतना ही है। आप यहां पे स्टेप वन पे देख पा रहे हैं, यहां पे मैंने ड्रेस पहन लिया। देन आपने हाथों में कपड़े, मतलब नेक्स्ट वाला जो टी शर्ट मैं पहनूंगा उस वाला टी शर्ट को मैंने हाथ में लिया है। देन उस वाला टी शर्ट को मैं यहां पे कुछ इस तरह से फेंक रहा हूं। इस तरह से मैं यहां पे स्टेप वन के पार्ट को शूट कर रहा हूं। और स्टेप टू में गाइस आप जो टी शर्ट पहने हुए उसको खोल लीजिएगा। देन आप जो फेंके हुए हैं वो टी शर्ट उसको आप पहन लीजिएगा। देन दूसरा कलर का आप टी शर्ट को हाथ में लेना है। देन कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कीजिएगा। मतलब गाइस जिस प्रकार से अभी तक आपको अंदाजा हो चुका है कि किस तरह से आपको वीडियो शूट करना है, जिस प्रकार से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, सेम टू सेम इस तरह से आपको अपना वीडियो को शूट कर लेना होगा। शूट करने के बाद दोस्तों वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से आपके भाई में वीडियो बनाने का जो एनर्जी है वो भर भर के आता है। बाकी चैनल पे अगर आप नहीं हो और आपको इसी प्रकार के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर ऐप है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अभी आपको ऊपर में आपको अपना जो गैलरी है वो शो हो रहा होगा। यहाँ से दोस्तों आपका जो रिकॉर्डिंग की रॉ फाइल है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले गाइस आप इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है आपको यहाँ पर म्यूट कर लेना होगा। म्यूट कर लेने के बाद गाइस आप अपने वीडियो में जहाँ से एक्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हो उस जगह पर आप आइएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ से मैं वीडियो में एक्टिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइस उसको मैं जो ऊपर में सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले सीजर के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आगे का एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेता हूँ। हटा लेने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा, और प्ले करके गाइस उस जगह पर आप आइएगा जहाँ पर अपनी टी शर्ट को फेंक रहे हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखते हो तो इस जगह पर मैं अपनी टी शर्ट को फेंक रहा हूँ। इससे गाइस आपको जस्ट थोड़ा जस्ट जहाँ टी शर्ट आपको नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, टी शर्ट आपको जहाँ पर हवा में ही रहेगा इतना में आपको यहाँ पर आ जाना होगा। आने के बाद अभी फाइल पे क्लिक करना है। देन कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्पीड एट प्ले हेड को सेट करके आपको अपना वीडियो को डिवाइड करना होगा। अभी गाइस आपको अपना वीडियो को प्ले करना है, और प्ले करके गाइस जहाँ पर अपना ये व्हाइट वाला टी शर्ट जो मैंने इसको फेंका है उसको मैं जहाँ पर पहन ले रहा हूँ उस जगह पर मुझे जाना होगा। मतलब मेरा जो सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो उस जगह पर मुझे जाना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मैं अपना वीडियो में एक्टिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस अभी फाइल पे क्लिक करके आपको इस आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप यहाँ पे कैंची की हेल्प से हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद सेम आपको यहाँ पे वीडियो को अपना प्ले करना होगा, और जहाँ पर अपना टी शर्ट को कुछ इस प्रकार से फेंक दे रहे हो इतना में आके फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करके स्पीड हेड प्ले हेड को सेट करके वीडियो को डिवाइड कर दीजिएगा। अभी तक गाइस आपको अंदाजा लग चुका है कि किस तरह से आपको ये वीडियो एडिट करना है। तो मैं गाइस ये जो काम यहाँ पे तुरंत से कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो जो वीडियो है उसको मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया है। अभी दोस्तों आपका जो फर्स्ट वाला टुकड़ा है इस पर आपको क्लिक करना है। देन इस वाले थ्री डॉट में क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिएगा, और उस वाले डुप्लीकेट को गाइस आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से लास्ट में लाना होगा। सॉरी, आपको लास्ट में इसको पकड़ के आप यहां पे ले आइएगा। लाने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में जाना होगा कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर आप खड़े हो जा रहे हो। देन आपको यहाँ पर दोबारा से फेंकने की एक्टिंग कर रहे हो उस जगह पे आप यहाँ पे आइएगा। देन बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट को गाइस आप यहाँ से हटा लीजिएगा कुछ इस तरह से। आप एक्स्ट्रा पार्ट को आप हटा लीजिएगा। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी अगर अपना वीडियो को मैं प्ले करके दिखाऊं तो गाइस वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो साथियों उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है आपको समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नहीं हो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि भाई के चैनल यार सपोर्ट करना तो बनता है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।